फुस निकला है भाई तरबूज। ये लाल क्यों नहीं है, ये सफेद क्यों है इतना? अंकल 2 दिन से ना खराब तरबूज लेकर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा ये ना, ये देखिए जो ये व्हाइट, ये ऐसे ना लाइट ग्रीन और लाइन वाला, ये हमेशा तरबूज खराब निकलता है और डार्क ग्रीन वाला सही निकलता है फिर भी। हाय गुड, अरे इसकी क्यों आ रही मुझे यार, सुबह से मुझे कौन याद कर रहा है वो तो मुझे याद ही नहीं करती। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। जस्ट थोड़ी देर पहले वर्कआउट करके आए हैं, यशी सीधा आते सो गई है क्योंकि वो लेग्स लगा के आई है। मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़, प्रोटीन तो पी लिया बट स्टिल मुझे थोड़ा कुछ खाने की चाहिए तो फ्रूट्स कटवा रहा हूँ। लेकिन ये तो मीठा ही है भैया, अभी मीठा है ही नहीं। अंकल को रुक जा, अंकल को आंदे देखा आज। हाँ तू पहले टेस्ट कर लेगा के, चक्कू से काट के वो टेस्ट करा से निकाल के, मुझे भी करा टेस्ट। ये लो चल जाएगा काम। अच्छा अभी आई एम गोइंग फॉर हेयर कट क्योंकि कल शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, परसों अपन को निकलना ही है तो अब मैं तो बालू बन के जाऊंगी। तू भी करवा, करते रहे जो भी तू करवा ले, मुझे मुझे कटवा, मैं तो जा रहा हूँ संजीवा के पास। यार सुन, ये नई टी शर्ट तो खराब हो जाएगी बाल कर कटवा के। हाँ वो तो होगी, तो मैं दूसरी पहन लूंगा, दूसरी पहन, पुरानी पहन के जा। अरे मेरे को दे दे ना, मैं पहन लूं। अरे चल निकल। और सर ने मेरे को जो लेग्स लगवाया, पता भी क्या बोलते खड़े खड़े, आज तो तू उड़ेगी। क्या गाइस, मैं आता हूँ 1-1.5 घंटे में। मैंने शर्ट पहन ली जो कि धुलने जाने वाली थी तो मैंने कहा और गंदी कर देता हूँ मैं इसको। वैसे मैं ऐसे ना बहुत सारे कपड़े खराब कर चुका हूँ। कुछ कपड़े होते हैं ना ऐसे जिसमें वो बाल घुस जाते हैं और वो निकलते ही नहीं है। और वो चुपते हैं। पता है मेरी एक फेवरेट टी शर्ट थी येलो कलर की, एक तो येलो कलर की भी थी साल इसको याद है वो भी, और एक और टी शर्ट थी जो कि ना मैंने नई की नई पहनी और हेयर कट कराने चला गया और उसमें जो बाल अटके वो कभी नहीं निकले। कैसा आज शैम्पू करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि करके आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले शैम्पू। आज सूरज खुद करके आया, वेरी नाइस है ना, हो जाएगा ना। और डन, थैंक यू सो मच सूरज, लव यू बाय, थैंक यू मिलते हैं वापस से। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? कुछ नहीं बस काम। तो रेडी नहीं हो, मेरे को तो बोल रही थी रेडी हो गई तुम? हाँ रेडी हो गई, कपड़े तो पहने, काम कर रही हूँ और बीच में। चल ठीक है अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद सबसे पहले जाने वाले हैं ब्रांड के काम से, उसमें ही 2-3 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर पर। और वैसे भी अभी धूप हो रही तो घर पे जाने का कोई सेंस नहीं क्योंकि बहुत गर्मी होगी वहाँ पर, तो थोड़ा सा जैसे ही मौसम ठीक होगा फिर हम घर पहुँचेंगे। एक इंसान को हम बुला रहे थे कब से कि हम काम पे निकल सकते हैं लेकिन इसे इतना टाइम लगा दिया कि अब हम इसको यहीं बैठा कर जा रहे हैं। अब हम पहले हम घर जाएंगे, उसके जब तक यहीं बैठा रहेगा आराम कर भाई सब। अरे धूप में परेशान हो जाएगा, बड़ा घूम के आया है अब इसको एसी में बैठा रहने थोड़ी देर, उसके कॉल के मारेगा भाई। मम्मी ने बोला था कल कि पूरे जितने भी हो ना सारे के सारे आना, जो मतलब हम जब सारे के सारे मस्ती करते थे ना उस घर में, तो आज लास्ट डे एक तरीके से उस घर सारे के सारे। हालांकि मैं तो नहीं मतलब थी तुम सब, लेकिन सिर्फ तू भी आई हुई है ना वहाँ पर, मैं आई हुई हूँ। मुझे ये भी याद है मैं किस दिन आई थी, क्या कर रहा था, तू कब आया, मुझे सब कुछ याद है। अभी सब बताएंगे आपको, चलो चलते हैं घर पे। उधर की मेमोरीज हैं वो, उस घर के टूटने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं। यार दुख होगा घर टूटे, वही चीज ना यार, मेरा खुद का घर जब घर ठंडा हुआ था ना, हालांकि हमारा तो घर बन रहा था तो मेरे को इतना दुख हो रहा हूँ, मेरा दुख तो होता ही है। अरे आ जाओ कमान, अभी ऐसा लगा कि 2-4 घर ठंडे करता हुआ आ रहा हूँ बेरोजगार। अरे आजा उल्टी आती है। क्या बोल रहे 15 मिनट हो खड़े। हाँ जरूर, वो गार्ड साहब बोल रहे पूछ ले, 10 मिनट से उनसे बात कर रहा था बेचारे गार्ड साहब की पे क्या बीती होगी 10 मिनट तक। अरे आ जाओ, बंदावा तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यार वो कपड़े लाना भूल गया धुलने के लिए, मम्मी ने बोला था आज ले ही आना, वॉशिंग मशीन शिफ्ट होने वाली है। आंटी अंदर हथौड़े लेने गई है क्या? आंटी अंदर तो हथौड़े ले, सबको पकड़ा दे, बोले कारीगरों लग जाओ। क्या करना है ये, अब अपन जाएंगे महल में ऐसे बटन दबाएंगे ना, ऐसे उसको काटूंगा, नीचे जाएंगे जूम ऐसे करके गेट में पड़ेगी आपको। स्विमिंग पूल बनवाएंगे उसमें अपन, और है ना ऐसे पार्टी करेंगे वाले ले। मम्मी आपको पता है अपने हिंदुस्तान में इतने त्योहार है, पता इस घर को यानी बनने में बस मुझे एक ही चीज का दुख है, बाकी चीज तो सबकी खुशी है। एक चीज का दुख है, नहीं मुझे दुख इस बात का है कि कूलर नहीं भरना पड़ेगा। हाँ कूलर में नहीं बेचूँ, कूलर में नए घर में भी लगाऊंगी, तुमसे भरवाऊंगी नहीं लाइट बार, तो आज तो भर दे कूलर। हर्ष आजकल बहुत ज्यादा काम करता है, थोड़ा सा नया पाइप लाए हम गाड़ी में रखे। नहीं जैसे भरते थे ना पहले वैसे ही भरो। देखो हम पहले बाल्टी से भरते थे, पाइप रहने देते हैं आंटी। ये ले बाल्टी ले ले पकड़ अभिषेक द प्राइड एंड ऑनर। अरे यार ले लो फोटो ले। देखो आंटी आंटी सुनो मेरी बात, मेरे को और हर्ष को तो एक्सपीरियंस है, बानू भाई नया है ना। ओए ओए देख तार के ऊपर से बातें हो रही है इससे। ये कलर आपने तो नहीं उतार दिया इसका? ये देखना इधर कलर हो रखा है, इधर कलर नहीं है। ये अपने आप ही गल रहा है मकान। अब आज सुबह सुबह कॉल आया मम्मी को, बोले मैंने तो डन कर दिया कारीगर इसको तोड़ने के लिए, पूरे डन कर दिया उन्होंने। पूरा टूटेगा ही ना, पूरा टूटेगा। अरे मुझे लगी रहा था, एक्चुअली मैंने बात कर रखी थी, इन्होंने सुबह बात करके तो ये चीज इनको बताना चाहिए ना मेरे को कि मम्मी हमने फाइनल। मैंने इनको बोला था मम्मी रुक जाओ मैं बात कर, रुक जाओ आप बात करके रख लो कोई दिक्कत नहीं, बात करके रखो डन मत बोलना। इन्होंने तो डन कर दिया। टाइम नहीं कहना तुम सोचते हो। ये देख सारी यादें जाने वाली है बहुत जल्द। हां इसमें कितने साल कालू ले ताजा कर ये नहीं बहुत सारी हमारी सबसे ज्यादा मेमोरीज है इस रूम में। हाँ ये देखो लाइट्स है ही नहीं, ये लाइटें इसमें रात भर सोने दे और ये खिड़की खोल के कोई जा रहा है तो यहाँ से चिल्ला। हाँ सूरज पाल सिंह वो हीरो किसने दिया? ये कोलकाता में मिला था मुझे, वो मीटअप हुआ था ना तब उन्होंने दिया था मुझे। आंटी संभाल लो ले जाएंगे। हम लोग है ना यहाँ इस रूम में कब से हैं? 6 क्लास है ना। दस साल हो गए आराम से। हम एग्जाम दे के आते थे, एग्जाम आके यहाँ पर एक स्पीकर लगे रहते थे हमारे। और ये गेट बंद और सबसे खतरनाक नाश्ता था कालू टाई को सर पे बांध लेता था, कोट को पैंट पे बांध लेता था और भयंकर नाश्ता था। यहाँ पर रात को रुकते थे, यहाँ से देखो ये वाली एंट्री, ये किचन, यहाँ किचन हुआ करता था, और पूरी रात में सारा का सारा हम सामान वगैरह बना बनू के बर्तन कर देते थे। फिर अगले दिन कैसे आओगे और बाहर, और उसके बाद हम मम्मी हम लोग आते थे और सारा वो बर्तन ही बर्तन कर देते थे। पूरी किचन को मैं तैयार करके बिल्कुल फ्रीज करके साफ करके सोती थी और सुबह उठती थी ना जी चाय के लिए भी एक बर्तन नहीं छोड़ते। कढ़ाई भगोनी प्लेट का गलत बात है भाई, नहीं ताजा है ना ये मानी तो जब जाएगी। ब्लॉग खराब मत करो, एक बाल्टी उठा के यहाँ से जाएगा तो नहीं जाएगा। इसमें कूलर है ना इसमें पानी नहीं डालो तुम, चलाऊंगा। मैंने तो बहुत करा भानु भानु को भी दी जाए। हमारे लाइफ की सबसे पहली नाइट स्टे इस कमरे में हुई थी, इसी रूम में सबसे इसमें हुई थी। और तो मम्मी नहीं थे, लोग शादी में गए हुए थे और मैं ताऊ जी गया हुआ था। मैं रातों रात यहाँ पे आ गया था, फिर हम लोग रात को रुके थे। और तू उस दिन की हमारी एक फोटो देख ले, एक ही फोटो ली थी। और जो तू फोटो देख लेना हमारी। हाँ। यशी बता तू फर्स्ट टाइम कब आई थी यहाँ पे? बता। मैं आई थी पर ना मूवी देखने जा रहे थे। बिल्कुल तो सही। उस गेट से आई थी, उस गेट से मैंने एंटर किया था। हाँ। और फिर मैं इधर खड़ी थी समथिंग। हाँ, और तेरा टूर्नामेंट था। हाँ। तो टूर्नामेंट से आया फटाफट मुँह हाथ धोया और चल दिया वापस हमारे साथ। बिल्कुल यार। पहले ये बता कि वो जो बाबा के रूम में बीड़ी फेंक के तूने बैठ जलाया था, वो रूम कहाँ पे? है वो ये वाला रूम है, जिसमें तख्त लगा हुआ था और यहाँ पर तख्ता लगा हुआ था। और मैंने ना उधर है ना अगरबत्ती लगा दी थी उस पर, और वो अगरबत्ती गिरी बेड पर, मतलब तख्ते पर, उसमें चद्दर दरी बिछी हुई थी और आग लगना चालू। और फिर ना मैंने जैसे मेरे को लगी ना वो आग लग गई है उसका, मैंने क्या करा, मैंने उधर से अगरबत्ती निकाली और इधर लगा गया इस खिड़की में लगा गया ताकि शक भी नहीं हो। सुन तो, ताकि बचपन में उस टाइम क्या शक नहीं हो। मैंने ये अगरबत्ती देखो ये लगी हुई, वहाँ के चार लगी, वो बीड़ी फेंक गया। खतरनाक इंसिडेंट बताऊं मेरा और हर्ष का। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? इतना आज तक मुझे किसी चीज के लिए हानि का, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम दोनों। आधी रात को ना अब हम सारे नाइट स्टे कर रहे हैं ना, सबके सब बैठे हुए यहाँ पर है ना। अब किसी को कुछ भी चाहिए होता, अब यहाँ से किचन में जाना था, दूध लेना था, ठीक है। अब ये बोला कि मुझे ना बोनविटा वाला दूध बना के दे। वो पूरी स्टोरी बता, रुक जा एक सेकंड, पूरी स्टोरी बता, रुक जा एक सेकंड, है ना। मैंने कहा बोनविटा डाल और घुमा घोल के पी जा यार, इसमें मैं क्या बना के दूँ? बोले नहीं तू ही बना के दे। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा, पी तो पिए मतलब जा। फिर बाहर निकल के आया, यहाँ बैठ गया है? तो बैठा रात को 1 बजे रो रहा। और ये देखने भी नहीं आया, बोले मोहल्ले के रो कुत्ते रो रहे होंगे। बोलो बैठे रो रहा। हमारा एक फ्रेंड था, वो आके बताया भाई वो रो रहा है। मैंने कहा रो रहा है क्यों? बोले तूने किसके लिए मना कराया? दूध के लिए। ये मैंने क्या इसके लिए 100 बार दूध बनाया, तो मेरे को एक बार एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार तो बना ही देगा जिंदगी में, वो भी साले ने मना कर दिया। इंसान किससे बोला तूने? सबसे बड़ा इंसान आलसी है। ये रही देखो, ये सबसे पहली फोटो है जो हमने साथ में ली थी और इस रूम में ली थी, और सबसे पहली नाइट स्टे की फोटो। सबसे बुरा अभिषेक और मैं नहीं हूँ, मोटा था यार। एक और इंसिडेंस याद आया, ये और ये दोनों रूम ना हमेशा ना रेंट से रहते थे। यहाँ पर रहते थे एक ऑटो वाले अंकल, तो वो पता है कब हमारे काम आए थे? जब मेरे को और सूरज को पुलिस पकड़ी थी और थाने में बैठाया था हमको, तो आंटी आई थी, तो आंटी जो आई थी उन अंकल के साथ आई थी ऑटो में बैठ के। हाँ, उन्होंने फिर साइन करके छुड़वाया था हमें। कालू के साथ मेरा हमेशा अरे तो था। हितेश का कॉल आ रहा है, वहाँ पर अपन को उस काम से भी जाना है, क्लोथिंग ब्रांड वाले काम से। तो अभी चलते हैं, और अभी मैं वापस से यहीं पर आऊँगा रात को, और मेरे को यशी को रात को बैठकर बहुत सारी चीज़ें फाइनल करनी है इस घर के लिए, तो वो काम भी करना है। आज थोड़ा सा काम करके आ रहा हूँ ना। ये लोग जा रहे हैं फ्लैट और हम लोग जा रहे हैं काम से। देखो अभी टाइम हो रहा है 1, और अभी डिस्कशन ओवर हुआ है पूरा फाइनली। भाई लोग, दोनों भाई लोग आज फ्लैट पे थे 1 बजे तक, अब जाएंगे ये लोग वापस, और फाइनल घर की सारी चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस चलते रहते हैं, वो तो हो जाएगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। तो अभी टाइम है सोने का, मैं भी थोड़ा सा फाइल वगैरह कॉपी करने वाला हूँ अब। तो गाइस, हाँ तो गाइस आज का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते कल, बाय।